Hi everyone, welcome to Shum's IAS. So here I am with second chapter of economics of class 9th, which is people as resource. So last lecture mein humne chapter 1 padha tha. So here is the chapter 2, people as resource. So jab bhi hum padhte hain, main overview mein aapko deti jaungi chapter ka. So people as resources चैप्टर का मेन मोटिव ये है, मेन एफर्ट ये है कि ये समझा पाए कि पॉपुलेशन एक एसेट है, लाइबिलिटी नहीं. ठीक है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो हम अगर हमारे पास इतनी सारी पॉपुलेशन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ भी है, क्योंकि हमारे पास लोग हैं. ठीक है, बट उन लोगों पे हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ व्हाट? ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. रिटर्न्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. कैसे हम ह्यूमन कैपिटल, जो हमारे पास इतना ह्यूमन कैपिटल है, उसको हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटी देंगे, तो वो उस तरह से हमें रिटर्न देगा जैसे एक फिजिकल कैपिटल देती है. ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ह्यूमन कैपिटल होता क्या है. तो फिर ये हम मतलब पिछले कई सालों से जितनी भी मतलब पॉपुलेशन को ना एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, बट नहीं, हमारी पॉपुलेशन एक एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, इसका मतलब है हमारे पास कितना एसेट है. बस हमें थोड़ा सा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि वो प्रोडक्टिव एसेट बने इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या है, बस उनकी हेल्थ और एजुकेशन के लिए थोड़ा सा स्पेंड करना है. तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. यहाँ पे देखो, जैसे कंट्रीज लाइक जापान, जापान की कंट्रीज के पास इतने नेचुरल रिसोर्स नहीं जितने हमारे पास है, फिर भी उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे वेस्ट किया और आज वो काफ़ी डेवलप्ड और रिच कंट्री है. राइट, हमारे पास तो इतना ह्यूमन रिसोर्स है, बस हम उन पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं. अब वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं. ठीक है, देखो कैसे हमारे इंडिया के लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, मैन एंड वुमेन. ठीक है, हम वो पढ़ते हैं कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, उनको तीन मेन सेक्टर में डिवाइड किया गया है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, एक्सचेंज होता है मनी का. तो ठीक है, यहाँ पे देखो, तीन मेन सेक्टर में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर और वी कैन से आर एनवायरमेंट और नेचर. ठीक है, जैसे फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग. इससे ना हमें प्राइमरी सेक्टर से ना हमें रॉ मटेरियल भी मिल जाता है. ठीक, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंड सेक्टर है. सेकेंडरी सेक्टर में जो भी हमें रॉ मटेरियल मिला, उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड गुड में चेंज किया जाता है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता क्या है, बेसिकली रॉ मटेरियल को हम चेंज करते हैं इंटू फिनिश्ड गुड्स. ठीक, इसके बाद जो थर्ड सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. इसमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ठीक, सो हियर, और हम ये देखते हैं कि ये जो भी एक्टिविटीज़ है ना, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, क्योंकि इनमें मनी का इन्वायरमेंट है. इनको भी आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. ठीक है, सो हियर, अब ना कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न है जिसकी वजह से मतलब मैन और वुमेन के बीच में ना बहुत डिवीजन रह गया है इन फैमिली में ही, कि मैन और वुमेन को ना ऐसे डिवाइड किया गया है कि वुमेन सिर्फ घर का काम करेगी और मैन फील्ड में जाके पैसा कमाएगा. ये हिस्टोरिकल और कल्चरल डिफरेंसेस शुरू से चलते आ रहे हैं. ठीक, बट जब हमारी उस
को हम ना उन लोगों को एजुकेशन देंगे, तो वो एजुकेशन उस इंडिविजुअल को और बेटर बनाएगा, हम उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो और बेटर होता जाएगा, ठीक है। और वो खुद, जब वो खुद ही इतना बेटर हो जाएगा, वो खुद, उसको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि कहाँ पे उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, और वो हमेशा तैयार रहेगा उसको ग्रैब करने के लिए, ठीक है। मतलब मेजोरिटी, अभी हमने देखा है शुरू से ही, मेजोरिटी ऑफ जो वुमेन है ना, उनको बहुत ही कम एजुकेशन और लो स्किल फॉर्मेशन दी गई है शुरू से ही, काफ़ी हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल रीजन रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, हम उस पॉपुलेशन की, जो हम बोल रहे हैं ना कि पॉपुलेशन हमारा एसेट है, उस एसेट की क्वालिटी कैसे बनाए, उसको बनाए ऐसा कि वो मतलब लाइबिलिटी से, जो हमारे दिमाग में बैठ गया कि पॉपुलेशन लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को हम एसेट कैसे बनाए, उसके लिए हमें उस पर कुछ क्वालिटीज़ डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्वालिटीज़ किस तरह से, ठीक है। पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ द पर्सन पे, वो कितना जिएगा और उस पर कितनी एजुकेशन है, ठीक है। इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये दो चीज़ें हैं ताकि हम इन्वेस्ट करें। एजुकेशन, एजुकेशन एक आदमी के साथ साथ ना पूरी सोसाइटी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो ना हर एक आदमी को बहुत नेसेसरी है, ताकि हम उसको ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बना सके, ठीक। यहाँ देखिए, एजुकेशन सोसाइटी के साथ साथ नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, और वो ना गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में भी इंक्रीमेंट लाता है। तो यहाँ पे देखो, 1951 में अराउंड अराउंड 18% 18% और समथिंग लोग जो थे वो लिटरेट थे, ठीक है। जैसे जैसे 1961 आया, 28.3 पीपल ने एजुकेशन एडुकेशन को गेन करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे ऐसे ग्रो होता रहा, हमारा लिटरेसी रेट भी इंक्रीज़ होता रहा, ठीक है, बाय द टाइम। बट अभी लेटेस्ट जो हमारे पास डाटा है वो बताता है कि अराउंड, जैसे हमने शुरू किया था, जब हमने मतलब शुरू ही किया था, तब हमारे पास था अराउंड 18.33% लोग, आफ्टर इंडिपेंडेंस 18.33% ही लिटरेट थे, सिर्फ इतने से। और जैसे 2021 आया, इट वॉज अबाउट 80%, ठीक है। तो ये बता तो रहा है कि हमारी लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रही है, बट हाँ, अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। अभी भी 20% पीपल है इंडिया में जो अभी लिटरेट नहीं हैं, जो अभी भी अनपढ़ है, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है ताकि पीपल लिटरेट हो सके, उनको एजुकेशन मिल सके। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खुलाया गवर्नमेंट ने, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स खुले, और जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर था एजुकेशन में, वो 0.64 से 3.1% बन गया, ठीक है। 1952 में सिर्फ 0.64% 0.64% जीडीपी का शेयर एजुकेशन के लिए जाता था, बट जैसे ये 2019 और 2020 आया, 2020 आते तक 3.1% हो गया, ठीक है। मतलब अराउंड अराउंड 3% की इंक्रीमेंट देखी गई, जो कि ठीक है, अच्छी है। हम मतलब हम कर तो इम्प्रूवमेंट ही रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर में, बट ये अभी भी थोड़ी कम है। देखो, 1951 में अराउंड 18% ही लोग थे जो लिटरेट थे, और 2018 में वो 85 बन गए, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंट तो हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि पूरे इंडिया में मतलब मेजोरिटी ऑफ तो अच्छी एजुकेशन है ना, वो साउथ में देखने को मिलती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, 2014 का जो सेंसस आया था, उससे पता चलता है कि केरला में 94% ऑफ पीपल लिटरेट है। केरला का लिटरेसी रेट है 94%, विच इज़ वेरी गुड। बट बिहार, जो कि सबसे कम, ओनली 62%, ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है, उसको भी एक्सपेंड किया गवर्नमेंट ने। मतलब हर चीज़ गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है ताकि हमारे जो लोग हैं वो पढ़ सके। फ्री स्कूलिंग प्रोवाइड की लोगों ने, ताकि लोगों ने, आई एम वेरी सॉरी, फ्री स्कूलिंग प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, ताकि जो पुअर एरिया है हमारी कंट्री का, वो भी एजुकेशन गेन कर सके। सर्व शिक्षा अभियान खोला गया, 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23, 27% बन गया 2019-20 में, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ईयर 1950-51 में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस थे वो थे ओनली 750 एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज 30 इन इंडिया, ठीक है। बट 2019-20 आते हुए द नंबर ऑफ कॉलेजेस आर अराउंड 45,000 एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर 1300 1,300 अप्रॉक्स, ठीक है। सो हेयर लास्ट डिकेड में, ओवर द लास्ट 5 डिकेड, इंडिया ने ना काफ़ी डेवलप किया अपने मैन पावर को भी और एजुकेशन सिस्टम को भी, ठीक है। अब जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि हेल्थ एजुकेशन के अलावा जो सेकंड चीज़ है हमारे, ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को और पॉलिश कर पाए, वो हेल्थ, ठीक है। एक हेल्थ ही ऐसी चीज़ है जो एक पर्सन को हेल्प करती है रियलाइज़ करने में लिए उसका पोटेंशियल और उसकी फाइटिंग इलनेस, ठीक है। मतलब वो अपनी इलनेस को कैसे फाइट कर सकता है और उसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक। लास्ट 5 डिकेड में इंडिया ने ना एक बहुत ही वास्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर लिया था, मैन पावर को डेवलप करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी, मतलब और साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी, बट हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी जल्दी इंक्रीज हुआ आफ्टर डैट यहाँ पे। बट स्टिल अब कुछ ऐसी प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे अभी बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। इंडिया में अभी तक 542 मेडिकल कॉलेजेस ही है जिसमें से, और 313 डेंटल कॉलेजेस एट ऑल, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक वो वाली सिचुएशन है जब लोग काम तो करना चाहते हैं बट उनके पास जॉब्स ही नहीं, वो जॉब्स मिल ही नहीं रही उन लोगों को, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी दो टाइप की होती है, सीजनल और डिस्क्रेस्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जैसे कि जब साल के कुछ मंथ के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है और बाकी की रेस्ट ऑफ द ईयर हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ठीक। उसके बाद आता है डिस्क्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसका ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि लोग, मान लो कि एक फील्ड है, फील्ड पे काम कर रहे हैं 8 लोग, बट फील्ड में ना सिर्फ 5 लोग से सफिशियंट काम हो जाएगा। अगर वो 3 लोग नहीं भी हैं, सिर्फ 5 ही लोग हैं तो भी वो मतलब इक्वली आउटकम आएगा, उनका होना नहीं होना फ़र्क नहीं पड़ता है। जो वो 3 लोग हैं ना वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके अलावा आजकल जो जो अर्बन एरिया है उधर एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है। ये क्या है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, लोगों ने मेट्रिकुलेशन भी की हुई है, डिग्रीज है लोगों के पास, बट उनके पास फिर भी जॉब नहीं है, ठीक। ये वाला जो सिचुएशन है इनको हम एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से ना पूरी इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है कंट्री की। सो हेयर दैट इज इट फॉर चैप्टर 2 एंड टुडेज़ वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।